शहर के पब और बार में आए दिन मारपीट और विवादास्पद घटनाएं होती रहती है, इसलिए पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंघल ने ऐसे पब और बार को लेकर सख्त रुख जताया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले पब और बार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नागपुर शहर में 375 पब बार और रेस्टोरेंट को लाइसेंस दिया गया है, साथ ही 19 फरवरी 2024 को नोटिस दिया गया है कि स्थान पर नशीले पदार्थ और मानसिक संतुलन को प्रभावित करने वाले पदार्थ ना बेचे जाए। धनतोली पुलिस स्टेशन सीमा के भीतर अवैध रूप से नशीली दवाओं की आपूर्ति करने वाले एक होटल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और इस होटल को सील करने के संबंध में जिलाधिकारी व मनपा आयुक्त से पत्र व्यवहार किया गया है। धारा 144 के तहत इन पब बार और रेस्टोरेंट और होटलों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। जल्द ही पुलिस आयुक्त द्वारा शहर के पब बार और रेस्टोरेंट और होटलों का निरीक्षण किया जाएगा। सीपी ने चेतावनी दी कि यदि कोई अव्यवस्था नजर आई तो संबंधित पब बार और रेस्टोरेंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 8 के करीब जो है हमने ऐसे रेस्टोरेंट्स और बार्स पे कार्रवाई की है। इसके अलावा 3 जो है रूफ टॉप जो रेस्टोरेंट्स हैं उनके ऊपर भी हमने कार्रवाई की है। तो जहाँ पे भी हमको लगता है कि नियमों का उल्लंघन हो रहा है तो उन सब के ऊपर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। एक केस में तो जहाँ पे कुछ ड्रग्स भी हमको बरामद हुई थी उसको हमने सील किया और उसके बाद में उसका संबंधित डिपार्टमेंट्स को भी उसकी डिटेल्स हमने भेजी हैं। तो यहाँ पर काफ़ी कड़क तरीके से हम लोग ये चीज़ें कर रहे हैं कि इस तरह की घटनाएँ शहर में ना हों। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।